In this video, we will study about bone. We know bone is a type of specialized connective tissue. According to the NCERT, it is a specialized connective tissue. Otherwise, in some of the reference book, it can be written as a dense connective tissue. But as we have to go through the NCERT, we have to say that bone is a specialized connective tissue. Now, before doing the structure of the bone, we have to know the basic feature of the bone. For example, I am just drawing a bone. That is the femur. Now the bone, long bone is having the two parts. Long bone ke beta do parts hote hain. This part is called as epiphysis. Here also, this is also epiphysis. And the middle shaft part is called as diaphysis. Okay, the middle shaft part is called as diaphysis. As you know that long bones is having hollow from the middle and having a cavity. So that is, they are having a cavity, and this cavity is called as marrow cavity. Sometime it is also called as, or you can simply called as bone marrow cavity. Okay, beta. Now, inside the bone marrow cavity, the bone marrow is present. Okay, marrow is present. A semi-solid material is present, and the bone marrow which is present over here is called as yellow bone marrow. Why it is called as yellow bone marrow? Because it contain fat. Okay, तो इसके अंदर क्या present होता है बेटा? Fat present होता है. Some of the marrow is present in the epiphysis region also, in this region also. Okay, and this here it is called as red bone marrow. And red bone marrow is mainly responsible for the erythropoiesis. Erythropoiesis kya hota hai beta? Formation of RBCs. RBCs formation is called as erythropoiesis. Aur hame pata hai beta ki jo blood banta hai, RBCs banti hai, wo kon banati hai? Bone marrow banati hai. Okay, now एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब हम लोगों ने कार्टिलेज करा था तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो लॉन्ग बोन्स की एंडिंग होती हैं उन पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. तो हमने जब करा था तो इसकी जो एंडिंग पोर्शन है वहाँ पर अ लेयर ऑफ द कार्टिलेज इज प्रेजेंट लाइक दिस. हेयर ऑल्सो अ लेयर ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द एपिफाइसिस रीजन, एंड दिस कार्टिलेज इज द हाइलिन कार्टिलेज. और ये हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एपिफाइसिस पर. तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया, एक सेक्शन कट करके हमने वर्टिकल सेक्शन कट किया है तो बोन का हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया. अब अगर मैं इसी बोन का, ये तो हमने कैसे सेक्शन कट करा था, सपोज ये है और हमने इसको ऐसे कट कर दिया. तो जब हमने ऐसे कट किया तो वी कैन सी दिस पार्ट. अब मैं सेक्शन कट करूँगी ट्रांसवर्स. तो ट्रांसवर्स अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो हाउ द बोन अपीयर. तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जैसे सपोज यू कैन सी दिस, इसके अंदर आप लोगों को एक बीच में होल दिखाई दे रहा है बेटा, फिर उसके चारों तरफ सर्कल दिखाई दे रहा है. तो उसी तरह से हमको इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हाउ इट अपीयर्स. तो सिंपली इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा.
एक इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ द आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम. व्हाट इट इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम. एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोओस्टियम. बोथ पेरिओस्टियम एंड एंडोओस्टियम आर फाइब्रस इन नेचर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ओके, नाउ इनसाइड दिस यू नो द मैरो कैविटी इज प्रेजेंट. ओके, इनसाइड द मैरो कैविटी इज प्रेजेंट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन इन विच वी कैन सी मैनी स्मॉल कैनाल्स. वी कैन सी मैनी स्मॉल कैनाल्स एंड दीज कैनाल्स, मैनी कैनाल्स आर देयर एंड दीज कैनाल्स आर कॉल्ड एज हेवर्सियन कैनाल्स. तो बेटा अगर हम लोग बोन का मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो देन वी हैव टू टेक विच पार्ट ऑफ द बोन. तो मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए वी विल सी ओनली दिस टू दिस. हम केवल इतने पार्ट को क्या करेंगे बेटा, मैग्नीफाई करेंगे. ओके, अब इसको जब अगर मैग्नीफाई करते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, तो सिंपली आई एम जस्ट ड्राइंग लाइक दिस. आउटर पार्ट इज पेरिओस्टियम, इनर पार्ट इज एंडोओस्टियम. ओके, इन बिटवीन दिस आई टोल्ड यू व्हाट द थिंग आर प्रेजेंट, हेवर्सियन कैनाल. एंड हेवर्सियन कैनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बोन. ये बेटा मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हेवर्सियन कैनाल. तो सपोज आई एम मेकिंग द थ्री हेवर्सियन कैनाल बिकॉज आई एम टेकिंग द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ दिस. नाउ सिंपली जो बोन्स होती हैं बेटा उसमें कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो सिंपली अगर हम लोग बोन सेल्स का स्ट्रक्चर देखें कि बोन में कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, तो बोन कंटेन मेनली थ्री टाइप ऑफ सेल्स. मेनली कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, उसमें थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. तो फर्स्ट आई विल सी द स्ट्रक्चर और आई विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स, बोन सेल्स. तो बोन सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा, सबसे फर्स्ट इज द ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोन फॉर्मिंग सेल्स. ओके, व्हाट दे आर कॉल्ड एज बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट. सेकेंड इज ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोसाइट आर एक्चुअली द बोन सेल्स. ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं बेटा, बोन सेल्स होती हैं. एक्चुअली क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स बनाती हैं, यानी ऑस्टियोब्लास्ट ही लेटर ऑन मॉडिफाइड इनटू द ऑस्टियोसाइट. ये ऑस्टियोब्लास्ट ही किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, ऑस्टियोसाइट में मॉडिफाइड हो जाती हैं. इसके अलावा वन मोर बोन इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि बोन eating cells. The bone cells which feed on the old worn out osteocyte. जब कुछ osteocyte old हो जाती है, worn out हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उनको खाने के लिए osteoclast is there. Now all these cells are formed from the stem cells. किधर से present होती हैं बेटा, स्टेम सेल से प्रेजेंट होती हैं. और ये स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो वो सिंपली हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो द स्टेम सेल्स, दिस इज द पेरिओस्टियम विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है बेटा, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है. इसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, दीज आर द स्टेम सेल्स. ओके, व्हाट दे आर,
द स्टेम सेल्स. नाउ ये तो हो गई बेटा कौन, स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स गिव राइज टू द न्यू सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट. व्हाट दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं बेटा वो पेरिओस्टियम की तरफ भी प्रेजेंट होती है एंड दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द एंडोऑस्टियम ऑल्सो. इसका मतलब बोन में ग्रोथ दोनों साइड से होती है, इंटरनल साइड से भी होती है और एक्सटर्नल साइड से भी होती है. तो हम सिंपली कह सकते हैं बोन ग्रोथ इज बाय डायरेक्शनल. बोन ग्रोथ कैसी होगी बेटा, बाय डायरेक्शनल होगी, दोनों डायरेक्शंस में ग्रोथ होती है. अब सिंपली हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे बोन का, स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट यानी बोन सेल्स. अब ऑस्टियोसाइट्स आर द स्मॉल सेल्स. एक्चुअली मैं ऑस्टियोसाइट का एक पहले अलग से स्ट्रक्चर बनाती हूँ. सपोज दिस इज अ ऑस्टियोसाइट, दैट इज द बोन फॉर्मिंग सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज लेक्यूले. जैसे हमने कार्टिलेज में भी कहा था कि कॉन्ड्रियोसाइट इज प्रेजेंट इन साइड अ कैविटी कॉल्ड फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज लेक्यूले. तो ये ऑस्टियोसाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज लेक्यूले. तो यहाँ पे भी लेक्यूने प्रेजेंट है बट यहाँ में और कॉन्ड्रियोसाइट के लेक्यूने में क्या डिफरेंस है कि इसके जो लेक्यूना है दैट इज हैविंग इरेग्युलर आउटपुट इस तरह से. ओके, इरेग्युलर किसी भी डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड एज लेक्यूने. सिंगुलर लेक्यूना, प्लूरल लेक्यूने एंड दिस इज द ऑस्टियोसाइट. तो दीज ऑस्टियोसाइट व्हेन वी विल सी इन अ माइक्रोस्कोप तो देन दे अपीयर इन अ कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर. हम इसको हाईली मैग्नीफाइड नहीं बना करके, ये मैं लेक्यूने जो जिनमें तो दे आर अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक मैनर. कंसेंट्रिक मतलब रिंग के फॉर्म में अरेंज है. तो जब ये रिंग के फॉर्म में अरेंज है तो दैट इज कॉल्ड एज लेमिले. तो दिस इज द हेवर्सियन कैनाल. ओके, एंड दीज आर द कंसेंट्रिक रिंग. नाउ अगेन वन ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग इन विच दीज लेक्यूना containing osteocyte is surrounding this canal. So here also this is also form a concentric ring. So now जो ये concentric ring बना रहे हैं बेटा, ये third concentric ring. So these are called as concentric lamella. Together one ring is called as concentric lamella. What it is called as concentric lamella. Now here also this is the Haversian canal. It is also surrounded by the fluid filled lacunae. ये तो हो गया बेटा इसका स्ट्रक्चर. दीज आर द कंसेंट्रिक रिंग और ये कंसेंट्रिक रिंग इस तरह से पूरी तरह से कवर करती है. अब ये तो हो गया रिंग्स में प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक लैमेला. सम ऑफ द लैमेला मीन सम ऑफ द ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस विच इज नॉट फॉर्मिंग द रिंग. अब ये अगर यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेक्यूने तो ये रिंग नहीं बना रहे बेटा. तो जब ये रिंग नहीं बना रहे हैं तो इसको कहा जाएगा इंटरस्टीशियल लैमेला. क्या कहलाएंगे बेटा, इंटरस्टीशियल लैमेला. तो बोन कंटेन कंसेंट्रिक लैमेला, बोन कंटेन इंटरस्टीशियल लैमेला एज वेल एज द टूवर्ड्स द पेरिफरी ऑल्सो
दीज लैमेला आर प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल लैमेला। नाउ ये हमारा एक मैग्नीफाई व्यू हो गया बेटा किसका, बोन के, जब हमने TS को कट किया और TS कट करने पर हमने उसको मैग्नीफाई किया ओनली दिस पार्ट जिसके अंदर पेरिओस्टियम एंडोस्टियम एज वेल एज द हवर्सियन कैनाल अलॉन्ग विद द कंसेंट्रिक रिंग इज प्रेजेंट। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी दैट इज द हवर्सियन कैनाल। लाइक इफ द हवर्सियन कैनाल आर लाइक दिस तो द टू और मोर हवर्सियन कैनाल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये हवर्सियन कैनाल इंटरकनेक्टेड रहते हैं विथ ईच अदर विथ ओब्लिक कैनाल्स। तो सपोज दिस इज द हवर्सियन कैनाल, दिस ओब्लिक कैनाल इज कॉल्ड एज वॉकमैन्स कैनाल। नो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस कैनाल, इन कैनाल का फंक्शन क्या है बेटा? तो एक्चुअली द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन दिस, इधर ब्लड वेसल्स नर्व वेसल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि बोन क्या है बेटा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं जा सकती, ठीक है, नर्व्स नहीं जा सकती, तो वो कैनाल्स के अंदर रन करेंगी। एंड फ्रॉम द कैनाल द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस, द सेल्स टेक द न्यूट्रिएंट, रिलीजेस आउट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। टू मीन्स द दिस हवर्सियन कैनाल एंड द वॉकमैन कैनाल जस्ट प्रोवाइड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ द एक्सक्रीटरी मटीरियल। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेमेलियन बोन। यूजुअली मेमेलियन बोन के लिए ही यही फीचर आता है कि वॉट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मेमेलियन बोन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हवर्सियन कैनाल। और हवर्सियन कैनाल कैसे अरेंज होती है बेटा, दे आर वर्टिकली, है ना, ये कैसी है, वर्टिकल, या मैं सिंपली कहूँ लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल। और ये कैसी है बेटा, दीज आर द स्लांटिंग, ओके, या फिर ओब्लिक, वॉट इट इज कॉल्ड एज ओब्लिक, या तो ये इनको ओब्लिक बोल सकते हैं, ओब्लिक कैनाल आर कॉल्ड एज वॉकमैन कैनाल। नाउ वी कम ऑन टू द मैट्रिक्स और द ग्राउंड सब्सटेंस, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो मैट्रिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनऑर्गेनिक एज वेल एज द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। अब सिंपली अगर हम देखें कि इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक मैटर में सॉल्ट्स आएंगे बेटा, वेरियस सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, है ना, इनऑर्गेनिक मैटर में सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। सॉल्ट किसके होंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में सॉल्ट्स, और सॉल्ट भी किसके, कैल्शियम और फॉस्फोरस, है ना, कैल्शियम सॉल्ट्स और द फॉस्फोरस सॉल्ट्स, सॉरी इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दीज ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, तो इनका रेशियो कितना प्रेजेंट होता है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रेशियो अगर देखें तो 30% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है एंड 70% इज द इनऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। सेकेंड मोर थिंग, जो हमने ऑस्टियोसाइट करी थी और विच आर हैविंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज कैनालिक्यूली, तो द टू सेल्स और द टू कैनालिक्यूलीज आर इंटरकनेक्टेड, यानी दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो दीज सेल्स आर इंटरकनेक्टेड, यानी इनका जो फ्लूइड सब्सटेंस है दैट इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, ओके। तो दैट इज ऑस्टियोसाइट, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड एज
लैक्यूने, है ना, क्या कहलाएगा बेटा ये, लैक्यूना, एंड दीज आर कॉल्ड एज कैनालिक्यूली. व्हाट आर दीज एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज कैनालिक्यूली. तो हम सिंपली कह सकते हैं दीज आर द ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन द लैक्यूने शोइंग द कैनालिक्यूली. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन एंड बोन्स आर ऑफ टू टाइप अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द हेवर्सियन कैनाल. तो बोन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा. वन इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन्स. कॉम्पैक्ट बोन जो अभी हमने स्ट्रक्चर किया बेटा फीमर का, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन. तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हेवर्सियन कैनाल इज प्रेजेंट. While in the spongy bones, Hevesian canal is absent. Okay, बेटा, spongy bones में Hevesian canal नहीं present होती, ठीक है. और इसके अंदर भी जो marrow cavities जो होती हैं, वो बहुत सारी marrow cavities होती हैं. तो many marrow cavity, ठीक है, बहुत सारी मैरो कैविटीज प्रेजेंट होएगी जिसमें इरेगुलरली बोन मैरो अरेंज रहेगा. तो मैनी मैरो कैविटीज विथ इरेगुलरली अरेंज्ड बोन मैरो. और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ओनली सिंगल मैरो कैविटी इज प्रेजेंट. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एज वेल एज द स्पॉन्जी बोन. सेकेंड सब्सटेंस बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉम्पैक्ट बोन इज प्रेजेंट इन द शाफ्ट और डायफाइसिस रीजन ऑफ लॉन्ग बोन्स. कौन सा रीजन हुआ बेटा ये शाफ्ट और द डायफाइसिस रीजन? तो सिंपली हम लोगों ने जब ये किया था बेटा इधर इनिशियली, तो मैंने आपको बताया था दिस रीजन इज कॉल्ड एज डायफाइसिस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शाफ्ट एंड दीज आर द एपिफाइसिस. एपिफाइसिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन एंड डायफाइसिस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. ओके, तो अगेन वन मोर डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट. तो ये तो शाफ्ट और द डायफाइसिस रीजन में प्रेजेंट है और स्पॉन्जी बोन किधर है बेटा? इन द एपिफाइसिस रीजन. तो स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट इन एपिफाइसिस रीजन. ओके, इसमें बेटा कॉम्पैक्ट बोन में जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, मैरो कैविटीज प्रेजेंट होती है, दैट कंटेन येलो बोन मैरो. और इसके अंदर जो मैरो कैविटीज इरेगुलरली अरेंज है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा रेड बोन मैरो. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एज वेल एज द स्पॉन्जी बोन. ये डिफरेंस आ जाता है स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर. थैंक यू.